हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड्स हेवन। आज की रेसिपी है चिकन ग्रेवी। इसे मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। इसे बनाने में बहुत कम मेहनत लगती है और स्वाद भी लाजवाब होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लेग पीस लिया है। इन लेग पीसेस में कट लगा देंगे। आपके पास कटे हुए पीसेस हैं तो आप उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सारे पीसेस में कट लग गए हैं। अब एक ग्राइंडर जार में 2 प्याज डाल देंगे, 2 हरी मिर्च, 6-7 लहसुन डाल देंगे, 3 इंच अदरक डाल देंगे। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी ऐड नहीं करना है। पेस्ट बनकर रेडी है। अब एक कुकर में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 5 काली मिर्च डाल देंगे, 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब इन सभी को 3 से 4 मिनट के लिए चलाएंगे। लगातार चलाते रहना है वरना प्याज जल जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। चिकन के पीसेस को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर 3 से 4 बार चलाते हुए पकाना है। ये देखिए, चिकन का कलर बाहर से चेंज हो रहा है पर यह अभी पके नहीं हैं। यह सिर्फ बाहर से थोड़े पके हैं, अंदर से यह बिल्कुल कच्चे हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें प्याज अदरक लहसुन का जो पेस्ट स्टार्टिंग में बनाया था वो डाल देंगे और इसी के साथ मसाले भी डाल देंगे। 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालना है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। चिकन को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, यह बहुत कम समय में पक जाते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 1/2 कप पानी ऐड किया है। ध्यान दीजिएगा, चिकन भी पानी छोड़ता है और जो पेस्ट डाला है उसमें भी पानी था, तो आप अकॉर्डिंगली पानी ऐड करें। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना ऐड करें। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है वरना ग्रेवी गाढ़ी नहीं बनेगी। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी देने के बाद ढक्कन खोल लेंगे। चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, कलर भी कितना अच्छा आया है। चिकन के पीसेस अच्छे से पक गए हैं। इसे बनाने में 20 से 25 मिनट लगे हैं। कम समय में यह आसानी से बन जाता है और कुकर में बनाने की वजह से इसे बार बार चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चिकन करी या चिकन ग्रेवी बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी या चावल के साथ, यह बहुत अच्छे लगते हैं। इसे स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। कुकर में बनी इस चिकन ग्रेवी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।